सादर आमंत्रित करना चाहता हूँ प्रोफेसर विनोद चौधरी साहब को, गोल्ड मेडलिस्ट सोशियोलॉजी और सैनिटेशन का गोल्ड मेडल आज सुबह इन्हें गुजरात के गवर्नर ने दिया है, और इन्होंने ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी और सैनिटेशन की पढ़ाई नहीं शुरू की है, वहाँ चेयर भी इस्टेब्लिश हो गया है। आप आएँ और अपनी बात। प्रोफेसर विनोद चौधरी, सम्मानित मंच से इतर बैठे सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक, हम सबों के प्रेरणा स्रोत मानवर पद्म भूषण डॉक्टर विंदेश्वर पाठक जी, माननीय अमोला पाठक जी, और इस सेमिनार के आयोजक अनिल बघेला जी, तमाम विद्वत जन, आज मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है जो मैंने जो कुछ थोड़ा कार्य सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन के क्षेत्र में किया उसके लिए मुझको सम्मानित किया सुलभ इंटरनेशनल परिवार ने, और इस सम्मान से मैं भाव विह्वल हूँ। इसलिए भाव विह्वल हूँ जो मैंने गांधी लोहिया को नहीं देखा, मैंने उनके दर्शन का अध्ययन किया, लेकिन साक्षात जब 97 में एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन दरभंगा में हुआ तो उसमें माननीय पाठक जी भी शामिल हुए थे, और लगभग देश भर के समाजशास्त्र के विद्वान शामिल हुए थे, और हमारे उस समय के तत्कालीन विभागाध्यक्ष डॉक्टर रघुनाथ झा जी थे, और मैंने देखा, बड़ी निकट से मैंने पाठक जी को देखा, और पहली बार जो मैंने निकटता अनुभव किया इनके साथ रहने का, मुझको लगा नेहरू गांधी या लोहिया या जिस किसी की बात हम दर्शन पढ़ते हैं तो सिर्फ हमने दर्शन पढ़ा, लेकिन साक्षात गांधी लोहिया के रूप में मैं आज डॉक्टर विंदेश्वर पाठक जी को देख रहा हूँ। और उसी क्षण मैंने निर्णय लिया जो मुझको मौका मिलेगा तो मैं निश्चित इस व्यक्ति से जुड़कर समाज के विकास के लिए कुछ न कुछ जरूर अपना योगदान दूंगा। और संजोग ऐसा रहा जो हमारे विश्वविद्यालय में प्रोफेसर साकेत कुशवाहा कुलपति के रूप में पहुंचे, और मैंने सिंडिकेट में उनके सामने प्रस्ताव दिया जो महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह ने इस विश्वविद्यालय को 250 एकड़ जमीन और अपने सारे महल दान स्वरूप दिए, और उनके नाम पर विश्वविद्यालय द्वारा कुछ भी नहीं आज तक हुआ। और फिर निर्णय हुआ महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह चेयर की स्थापना का। मैं आपको बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूं जो मैं आपको बताना चाहता हूं डॉक्टर विंदेश्वर पाठक के दिल में समाज सेवा का क्या जज्बा है वो आप इस पृष्ठभूमि के बाद समझ जाइएगा। और हुआ कामेश्वर चेयर की स्थापना हो, सीनेट सिंडिकेट तमाम बॉडी से ये स्वीकृत हुए। अब सवाल था इसमें आर्थिक सहायता कौन करेगा, तो आगे एक सेमिनार था उसमें पाठक जी पुनः आए दरभंगा, और इनका दरभंगा से जो लगाव है, मिथिलांचल से जो लगाव है, उसी का परिणाम है जब कभी ये समय देते हैं उसी समय हमारे यहाँ बड़ा सेमिनार होता है। पायस जी, अनिल बघेला जी, नागला जी, नील रत्न जी, सारे लोग वहाँ आए, और उसी सेमिनार में इनके हाथों कामेश्वर चेयर की स्थापना हुई, उद्घाटन हुआ, और बाद में उसी क्षण इन्होंने 15 लाख रुपया उस चेयर को देने की घोषणा की। और देखिए इनकी उदारता,
फिर दिल्ली में मुझसे इनकी मुलाकात हुई तो इन्होंने कहा चेयर कैसे चल रहा। हमने कहा कि जो 15 लाख रुपया आपने दिया था उसको तो हमने फिक्स्ड कर दिया, अब अगले साल से उसका इंटरेस्ट आएगा, उससे कुछ काम होगा। तत्काल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए विश्वविद्यालय पर दबाव देकर हमने काम करवाया। तत्काल इन्होंने किसी को कहा और 2 लाख रुपया का चेक फिर से दिया गया वहीं सुलभ इंटरनेशनल कार्यालय में, और कहा गया जो आप टाइपिस्ट या और जो दूसरा रखिएगा उसका तत्काल 1 साल का ये दरमाहा रख लीजिए, वेतन उसका इससे भुगतान हो। और आज चेयर पूर्ण रूपेण कार्य कर रहा, और मैं समझता हूँ 4 साल के वर्ष अंदर लगभग 8-9 संघ बड़ी संगोष्ठियाँ वहाँ चेयर के माध्यम से आयोजित हुआ, और स्वच्छता मिशन में हमारा चेयर लगा हुआ है। वहाँ एक पंचायत का हमने सर्वेक्षण करवाया अपने छात्रों के द्वारा, और उस गांव को सरसों पाही मधुबनी का एक गांव है जिसको माननीय पाठक जी ने वहाँ शौचालय का निर्माण कराया। और फिर इस बार 29-30 मई को जो संगोष्ठी हुआ राष्ट्रीय संगोष्ठी, उसमें पाठक जी ने फिर एक चेयर की घोषणा की और उस चेयर के लिए अनुदान देने की बात कही। तो मेरा कहने का भाव ये है कि इस व्यक्ति में माननीय पाठक जी में काम करने का इतना, जो सारे लोग यहाँ आए मंच पर कुछ न कुछ बोला और उनके द्वारा किए गए योगदान की चर्चा की, मेरा सिर्फ इतना मानना है कहना है आपसे जो आप इनके साथ एक बार जुड़ कर देखिए, आपको सही में लगेगा जो काम आप करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, काम करने की जज्बा ही आप में भरेंगे। मैं तो राजनीतिक क्षेत्र से आया, संयोग से मौलिक रूप से मुख्य रूप से मैं शिक्षक रहा, आज भी मैं विभागाध्यक्ष हूँ, और मैंने जो देखा जो अनुभव किया जो इनकी प्रेरणा का ही फल है जो मैं पूरे मिथिलांचल में सक्रियता के साथ सुलभ आंदोलन स्वच्छता का जो मूवमेंट है इनका उस मूवमेंट को चला रहा। और मैंने आपसे शुरू में ही कहा गांधी को यहाँ बैठे लगता है किसी ने नहीं देखा होगा, लेकिन आज माननीय पाठक जी को सारे लोग देख रहे हैं देश दुनिया में, और इनकी प्रेरणा का फल है जी इतने लोग इनसे जुड़े हैं। वृंदावन की घटना मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा जो सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः डायरेक्शन दिया यदि सुलभ इंटरनेशनल यहाँ काम करे तो उसको दिया जाए, यदि वो तैयार नहीं है तब सरकार से अनुरोध किया जाए। मान्यवर पाठक जी ने उस काम को अपने हाथ में लिया, आज हमारी माताएं यहाँ साक्षात बैठी हुई। कहने का मतलब यह है जो हर क्षेत्र में समाज के हर क्षेत्र में इन्होंने अपने संबोधन में कहा भी जो समाज शास्त्रियों का क्या काम है सिर्फ पढ़ना पढ़ाना, तो एक्शन सोशियोलॉजिस्ट क्या करेंगे। और आज एक्शन सोशियोलॉजिस्ट की भूमिका में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत 11-12 विश्वविद्यालय एक्शन सोशियोलॉजी की पढ़ाई में साक्षात जुड़ चुका है, और मुझको विश्वास है पाठक जी की प्रेरणा और पाठक जी का जो सहयोग मिलता रहा है बिहार के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उसमें निश्चित रूप से सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन की पढ़ाई शुरू होगी और समाज का हर तबका इस मूवमेंट में जुड़ेगा। मैं सुलभ परिवार अनिल बघेला जी और अपने प्रणेता माननीय पाठक जी श्रीमती अमोला पाठक जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जो उन्होंने मुझको टोक्यो से फोन किया है जो वहां जाना, और मैं अपने सारे कार्यक्रमों को रद्द कर मैंने प्राथमिकता दी इसलिए जो आप सज्जनों से यहां मेरी मुलाकात होगी। मैं गुजरात और अहमदाबाद पहली बार आया था, आप लोगों का दर्शन हुआ इसलिए मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और आपको भरोसा दिलाता हूं, विशेष रूप से माननीय पाठक जी को भरोसा दिलाता हूं जो उनका सहयोग समर्थन इसी प्रकार मिलता रहा तो बिहार के पूरे बिहार में तमाम विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन की न सिर्फ पढ़ाई होगी बल्कि उनके आंदोलन से सारे लोग जुड़ेंगे। धन्यवाद।
जय हिंद।